नमस्कार, सुबह की सुर्खियों में आपका स्वागत। मैं हूँ अर्चला खान। आइए डालते हैं नजर आज की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने 1987 में हुए विधानसभा चुनावों में दांधली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है लोगों के मौजूदा हालात की जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के गठन को लेकर दायर याचिका पर 29 नवंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जम्मू कश्मीर में 1800 एसएचजी के सदस्यों के सशक्तिकरण के लिए जेकेआरएलएम और इंटरनेट कॉमर्स कंपनी मीशो के बीच में हुआ समझौता। जम्मू कश्मीर घाटी में रद्द की जाएगी 586 यूनिट्स की लैंड अलॉटमेंट। शासन ने जारी किया आखिरी नोटिस। इनकम टैक्स विभाग ने कर्नाटक में मारे छापे। 1300 करोड़ के काले धन का लगाया पता। असमोली थाना क्षेत्र में झगड़े को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हुआ पथराव। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कई महिलाओं समेत 16 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राहुल गांधी एक बार फिर भाजपा के निशाने पर। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के कार्यक्रम में राष्ट्रगान के बजाय भजन लगा, कुछ और हुई फजीहत। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड के बाद एक और दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। आरोपी लिव इन में साथ रहने वाली महिला की हत्या कर शव को घर में बंद कर हो गया फरार। फरार होने से पहले करीब 9 घंटे उसने शव के साथ ही बिताए। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद केस में मुस्लिम पक्ष को लगा एक और झटका। सर्वे में मिले शिवलिंग की पूजा की मांग सुनवाई योग्य। पुणे में नाबालिग लड़की ने अपने पापा, दादा और चाचा पर लगाया छेड़छाड़ और दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने धारा 376, 354 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। ईडी के निर्देशक एसके मिश्रा का कार्यकाल एक साल और बढ़ा। तीसरी बार मिला सेवा विस्तार। उन्नीस नवंबर को बैंक पहुंचने वाले ग्राहकों को हो सकती है परेशानी। बैंक यूनियन AIBEA ने 19 नवंबर को हड़ताल का किया ऐलान। राजीव गांधी हत्याकांड में दोषियों को रिहा करने के आदेश के खिलाफ केंद्र की सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार की याचिका। पश्चिम बंगाल के अगले राज्यपाल होंगे डॉक्टर सीवी आनंद बोस। राष्ट्रपति ने किया नियुक्त। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान का वोट देने का अधिकार खत्म। वोटर लिस्ट से हटाया गया नाम। दामोदर सावरकर के पोते ने राहुल गांधी के खिलाफ अपमान करने का मामला किया दर्ज। भाजपा नेता ने इंदिरा गांधी के हवाले से घेरा कांग्रेस को। सऊदी अरेबिया ने दिखाई भारत से दोस्ती। वीजा के लिए भारतीयों को नहीं देना होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। G4 राष्ट्रों ने दी चेतावनी। कहा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सुधारों को जितना लंबा रोका जाएगा प्रतिनिधित्व में उतना ज्यादा होगा नुकसान। जर्मनी में मोबाइल फोन सेवाएं हुई बाधित। कॉल्स ना लगने की वजह से लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी। पाकिस्तान पुलिस का बड़ा बयान। बोली, अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान में कर रहे हैं आतंकवादी। सात सुर्खियों का यह कार्यक्रम हुआ समाप्त। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।